खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर विधान परिषद सदस्य मनोनीत होने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में पहुंचे राम सूरत राजभर, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। अभी कुछ दिनों पहले भाजपा द्वारा 6 लोगों का नाम राजभवन भेजा गया था, जिसमें एक नाम आजमगढ़ जिले से राम सूरत राजभर का था। उनके नाम पर मुहर लगने के बाद जिले में और उनके विधानसभा में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसी के उपरांत उनका कल अपने क्षेत्र में आगमन दोपहर लगभग 12 बजे फुलवरिया टोल प्लाजा पर हुआ, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। राम सूरत राजभर जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद के नारों और बैंड बाजा के साथ उनका स्वागत हुआ। इसके बाद उनका काफिला माहौल बाजार से होते हुए अंबारी फूलपुर होते हुए महर्षि दुर्वासा गया, जहाँ उन्होंने महर्षि दुर्वासा का दर्शन किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें जो दायित्व दिया गया है, हम पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से उसका पालन करेंगे। क्षेत्र में विकास हो, इस पर भी हमारा जोर रहेगा। बहुत त्याग तपस्या है और पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। बहुत ही महसूस अच्छा कर रहे हैं। ये जनता की प्रति जो हमारे अपार प्यार है, समर्थन हुआ, हम कम से कम उस लायक हैं, कुछ कर सकें। सर, ये तो विकास के बारे में, क्षेत्र में विकास नहीं होता, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे ज्यादा बाबा पूछ लीजिएगा। विकास अब शपथ लेने के बाद जितना अथक परिश्रम होगा हम करेंगे, ज्यादा ज्यादा जो कुछ लोग पिछले लोग नहीं कर पाए उससे अधिक करने की कोशिश करेंगे।